बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद इरफान फ्रॉम चैनल ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी 699। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम फारेनहाइट स्केल इंटू सेल्सियस स्केल, कि अगर हमें टेम्परेचर फारेनहाइट में दिया हुआ है तो हम उसको सेल्सियस स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल 8.4 क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। तो यह हमें एक टेम्परेचर दिया गया है फारेनहाइट स्केल पे, हमने इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन डाटा में हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है फारेनहाइट स्केल पे विच इज 100 डिग्री फारेनहाइट। तो ये फारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर है 100 डिग्री फारेनहाइट, दिस इज गिवन डाटा। और हमें मालूम करना है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, कि सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर क्या होगा। तो इसके लिए हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो वही फार्मूला जिससे हम सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर को फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, सेम फार्मूला यहाँ पर भी यूज होता है। तो वो फार्मूला था एफ इज इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32। ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम सेल्सियस स्केल को फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। तो हमें फारेनहाइट में टेम्परेचर मालूम करना है, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सॉरी, फारेनहाइट में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि 100 डिग्री फारेनहाइट है, सेल्सियस स्केल पे हमें यह टेम्परेचर मालूम करना है प्लस 32 यहाँ ऐड हो रहा है। अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे देख कर आए तो ये यहाँ पे आकर माइनस हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1.8 सी। 100 में से 32 को निकाला, ये बनता है 68, यहाँ रह गया 1.8 सी। हमें सी मालूम करना है तो हम दोनों तरफ 1.8 पे डिवाइड कर लेते हैं, इधर भी कर देते हैं 1.8 पे डिवाइड, इधर भी हमने 1.8 पे डिवाइड कर दिया। ये 1.8 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सी आएगा 68 को अगर हम 1.8 पे डिवाइड करें तो यह आता है 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हमारे पास फारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सेंटीग्रेड में यही टेम्परेचर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इस एग्जाम्पल में हमने सीखा कि अगर हमें टेम्परेचर फारेनहाइट में दिया गया हो तो हम उसको किस तरीके से सेल्सियस स्केल में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एग्जाम्पल है, हमारे पास जो टेम्परेचर है सेंटीग्रेड स्केल के अंदर, सॉरी फारेनहाइट स्केल के अंदर, इट इज 176 डिग्री फारेनहाइट। आपने इसको सेंटीग्रेड में चेंज करना है। ये एग्जाम्पल है आपके लिए, इसी इक्वेशन की मदद से बिल्कुल इसी तरीके से आप कर सकते हैं। फारेनहाइट में टेम्परेचर 176 और इसको सेल्सियस में मालूम करना है।